अपना जय श्री श्याम। और क्या हाल चाल भाई सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, बढ़िया रहा करो अपने। तो भाई सबका स्वागत है अपने अंकित यादव व्लॉग्स पे। भाई गोवा से आने के बाद आज थोड़ा टाइम मिला है, टाइम तो आज भी नहीं मिला, और दिखाया था गाड़ी वाड़ी ठोक गई थी तो ऐसा ही हो रखा था, मन भी ऐसा ही हो रखा था। और थोड़ा तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, एक नहीं दो दो है, एक तो आज ही पता चल जाएगा, एक एक दो दिन रुक के देंगे, वो आप लोगों ने सरप्राइज बताने का मौका दिया है। तो दिखाएंगे क्या कुछ हुआ है, मतलब है खुशी का माहौल है बढ़िया। और एक तो ये है कि अभी तो मैं उठा ही था, उठ के भाई आ गया था, सुनो रखा है नींद में उठ के आ रहे, तो उठ गया था। अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके अभी जा रहा हूँ वर्कशॉप पे, पर गाड़ी का देखते हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है, करवा दे उसका सामान वामान ऑर्डर, टाइम लगाते नहीं तो भाई बिना जाए तो ऐसे ही होता वर्कशॉप वाले सब। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, जैसा कि बताया था वसंत कुंज में, तो वहाँ जाके सामान वामान ऑर्डर करवाते हैं, फिर उसके बाद उसका काम चालू होगा थोड़ा, फिर शांति मिलेगी थोड़ी मन को। चलो एक बार वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आगे क्या क्या कुछ प्लान है ना जैसे भी। तो भाई तो मेरे को वहाँ से छोड़ के निकल जाएगा गुड़गांव, मैं देखता हूँ ऑटो कैब वगैरह से जैसे भी आऊँगा घर तक, इतनी दूर नहीं है, पास ही है। तो चलो मिलते फिर आपसे। आ गए थे वर्कशॉप पे, तो अभी देखते हैं क्या कुछ कंडीशन है गाड़ी की, मोटा काम है वर्कशॉप वाले का। गो चले, रात जा रही है तो एक बार देखते हैं। चलो फिर मोटा काम है, देख लो मालिक का लैंड रोवर गाड़ी चला के थी मॉडल है, जगह घनी जगह। ये भाई अपने खड़ी खड़ी देखो सामान वामान ऑर्डर करवा रहे अभी सारे, भाई दुनिया की ठुकी खड़ी हमारी तो इतनी वो भी ना रखी, देखिए क्या हाल हो, इसका तो आगे का सिस्टम बिगड़ रखा है। एक यो खड़ी है कौन सी, लैंड रोवर की, पब्लिक कैसे मार देती है, कैसे एक्सीडेंट कर देती, चलाने नहीं आती होगा, हमारी तो खड़ी गाड़ी मारी है। कोई नहीं देखते भाई, सामान ऑर्डर लगवाते फिर उसके बाद बताते आपको सरप्राइज क्या है। एक तो बता दूँ आज ही, और दूसरा सरप्राइज वहाँ जाके बताऊँगा जहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ी देर में निकलता हूँ मैं सामान वामान ऑर्डर करवा के, फिर उसके बाद चलो आप लोगों से करते हैं बातचीत। ये भाई पैसे गिनवा दे गाड़ी क्लिक करवाने के, ठीक है रमेश पैसे आ लिए, लगा दिया भाई मोटा खर्चा। आ लिए पैसे, ठीक है भाई मैंने देख तुम लोगों के सामने दे दिए इसको पैसे, ठीक है कल को मना वना करे तो। ये भाई अपने जाने की तैयारी हो गई है, ये कपड़े पैक करने हैं, ये ब्रश वगैरह हो गए, गल्स हो गए, घड़ी हो गई, पर्स पर्स खा लिया वैसे कोई फायदा नहीं है। एक दो तीन चार पाँच, चार पाँच जोड़ी कपड़े रख लिए, शॉर्ट्स है, टी शर्ट है, लोअर है, ये बेल्ट है,
पहनने के लिए और किसी के बक्कल तारने के लिए जरूरत पड़े तो। ये अपने शूज हो गए, नो मत कह गंदे भाई, दो का बेड पे रख रखे हैं, एक अपने ये रख लिया यहाँ पे। तो अभी इनकी पैकिंग करते हैं फिर निकलेंगे, बताएंगे आपको आराम आराम से बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। चलो भाई राम राम सबने, अपने आ गए थे नहा धोके वापिस, पैकिंग वैकिंग कर ली थी, आपको दिखाया था गाड़ी के लिए भी आया था, सामान वामान सब ऑर्डर करवा दिया, अब भगवान जाने कब ठीक करके देगा नहीं देगा। ठीक है तो भाई मैं तो लिया था निकल, आज निकल कर आ रहा हूँ, ये अभी नहीं बताऊंगा, नहीं लास्ट टाइम के जैसे हो जाएगा कि वृंदावन जा रहा था परिक्रमा मारना और गोवा पहुंच गए थे, तो अभी मैं ये चीज नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं। और दूसरे सरप्राइज की जो बात कर रहे थे वो तो यार सेलिब्रेशन के लायक है, मजे आ जाएंगे, मेरे को भी उस चीज की उम्मीद नहीं थी, बहुत टाइम से पहले मिल गई वो चीज, तो चलो वो तो साथ सेलिब्रेट करेंगे बताएंगे। ठीक है पेट पे मेरे पच नहीं रही बात, लेकिन चलो मैं सबर कर रहा हूँ थोड़ा, किसी को नहीं बताई मैंने अब तक, सबसे पहले आप लोगों का आके भाई। तो वहां से आ गया था मैं वर्कशॉप से आके भाई, थोड़ा सुथरा सा होके आया हूँ, सुथरा के भाई अपना बस पैदा इसी सुथरे हुए थे हम तो नाइक गए थे, थोड़ी बहुत वैसे टच वच करे, बाल वाल बड़े यार सही लगते नहीं लगते, कभी तुम बोलोगे ऐसे हो रहा बावड़ा भी वैसे ठीक है, वैसे मैं अपनी पसंद से चलूंगा ये चीज तो। तो अभी जा रहे हैं भाई अपना ही कर दो भाई सबने राम राम, राम राम भाई। ये भाई थोड़ा गला बैठ रहा है ना, रोब जा पिया दिया, तो भाई अब जा रहे हैं एक भाई को और उठाएंगे अपने मानेसर से, उठाने में विश्वास रखते हम तो। ठीक है तो अभी टाइम हो रहा है 4:30-5 बज रहे कुछ शाम के, जहाँ जा रहे हैं वहाँ कम से कम मतलब 14-15 घंटे बाई रोड टाइम लगेगा ही लगेगा। तो मैं कपड़े तो क्या ही दिखाऊँ, निक्कर में हूँ, टी शर्ट में हूँ अपने, हाँ नीचे शूज़ पहन रखे, लेकिन थोड़ा आगे चल के फिर चेंज कर लेंगे, स्लीपर्स डाल लेंगे अपनी। तो जा रहे हैं, बताएंगे आप लोगों को कैसा क्या रहता है, ठीक है नाइट में व्लॉग आएगा जितना आएगा, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुबह पहुँचेंगे आफ्टरनून में कल, तो चलो उस हिसाब से मिलते हैं आपसे फिर। ठीक है चलो फिर, कितना लंबा दूर से चमकता है। अपना बावड़ता है अपने तेल फुल करवा रहे गाड़ी में, और जाने का प्लान थोड़ा ऐसा है, हम जा रहे भाई गुजरात, तो अब आपको बता दें क्योंकि अब तो रास्ते में चेंज नहीं होगा कहीं, तो अभी ये है कि अपना तेल फुल करवा लेते हैं यहाँ पे, आगे राजस्थान में गुजरात में महंगा ही है पेट्रोल, तो अभी देख सकते हो गाड़ी खड़ी कर ली है लग रही है, अभी करवाते हैं फुल, उसके बाद देखते हैं रुकने का, अभी तो ज़्यादा नहीं दिल्ली से चले हैं, मुश्किल से 80 किलोमीटर चले हैं। ये छः लोट ले इसमें गर्म कर आपको बद्दी, चलो फिर मिलते हैं आपसे। तब आपको बताने लग रहे थे कि अपना गुजरात का प्लान बन रहा है, तो भाई गुजरात जा रहे हैं, रात का सफर भाई मेरे को अच्छा लगता है अपने शांति से बिल्कुल, दिन में तो गर्मी आजकल इतनी पड़ रही है, तो उस टाइम अपना टैंक फुल करवा रहे बावड़ में, क्योंकि राजस्थान में और भाई गुजरात में पेट्रोल महंगा है, लेकिन एक एक दो दो पैसे बचाएंगे तभी तो काम चलेगा ना, पहले गाड़ी ठोकी खड़ी घर पे। तो भाई मैं आ गया था जैसे घर से दिखाया था 4:30-5 बजे निकल लिए थे दिल्ली से, फिर एक भाई को लिया था मानेसर से, ये बैठा राम राम करके भाई सब थे, राम राम भाई हो, ये भाई अपना भाई मौसी का लड़का ही है वैसे। तो भाई अपने आ गए थे, तो अभी कंटिन्यू मतलब 450-350 किलोमीटर ड्राइव कर लिए, 10:30 बजे चेक किया था किलोमीटर का, अभी फिलहाल 11:30 बज रहे हैं, तो अभी डिनर के लिए रुके एक होटल है अपना देसी साई, तो वैसे तो घर से खाना बनवा के लेके आए थे, क्योंकि यार 4-5 दिन गोवा में खाया था पेट खराब हो गया था, गर्मी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा ना, तो अपने घर तक बनवा के लाए अपने रोटी वोटी ना मोण गिरवा के, अपने जैसे घी दूध गिरवा के आटे में वो रोटी बनवा के लाए, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर करेंगे तो कर लेंगे ना, तो यार नू तो कोई ना बैठने दे, रात का टाइम है ये भी अपने रोजी रोटी बैठे हैं, तो सुबह ही पहुँचेंगे गुजरात, तो गुजरात में जाएंगे गांधीनगर, तो अभी देखते हैं यहाँ पे खाने वाने का, फिर चलो आपसे मिलते हैं खाना खा के जो भी ऑर्डर होटल जहाँ पे रुके थे खाने वाने के लिए, ये अपनी धन्नो खड़ी
ये अपना थोड़ा ये भाई भाभी बैठे हैं वहाँ पे, देखते अभी देखते क्या कुछ ऑर्डर करते हैं। तो पूरा भाई सुनसान एरिया है खाली अपना, ये पड़ता है जयपुर से 30-40 किलोमीटर आगे। यहाँ पे मतलब ये भी है अपने कपड़े वपड़े लेना चाहो तो भाई आते टाइम तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। देखना भाई चार्जर वार्जर गाड़ी वगैरह। भाई जयपुर से कितने किलोमीटर आगे पड़ता है ये? जयपुर से 50। जयपुर से भाई 50 किलोमीटर आगे कौन जगह भाई? ये भी आप आगे मकमपुरा। मकमपुरा आप यहाँ लोकल ही हो? गुजरात से हो तो हम भी गुजरात ही जान लग रहे हैं। तो भाई चलो अभी देखते खाने वाने का। ये भाई अपने घर से बना के लाए आलू। भाभी किस चीज की सब्जी है? भाई कैमरे का आगे ना सब शर्मा जावे। ये भाई आलू की यहाँ की है। ये अपने दाल थोड़ी सी ऑर्डर कर दी, लस्सी। अरे इसने तो सबर ही ना हो गया, चरण भी लग गया। मैंने खाना वाना खा लिया था, अपने कोक लिया, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। ड्राइव करते टाइम दिक्कत होती है ना खाने वाने की, वैसे तो अपने घर का इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी लेट हो जाएंगे, कैसे क्या पहुँचते हैं ना, सुबह पहुँचे थे, कहाँ पहुँच गए, रास्ता तो बेरा ना। सिरोही, सिरोही के आस पास है, रुके थे एक बार कुछ कॉफ़ी वगैरह ले ले, नींद का टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं। तो अभी बनवाई है कॉफ़ी, भाई बढ़ाने लग रहे हैं यहाँ पे, नींद का सा टाइम हो रहा है। तो चलो कॉफ़ी वगैरह लेके फिर निकलते हैं। है अभी यहाँ से और 5-6 घंटे का रास्ता है। भाई अपना गुजरात में एंट्री कर ली थी। ये गुजरात का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अंबाजी, और यहीं पे ये मंदिर है अंबाजी, बहुत फेमस है यहाँ का, काफ़ी भाई जानते भी होंगे। ये देखो बहुत ज़बरदस्त बना रखा, आगे तक बना रखा है। एंट्री तो होनी शुरू नहीं हुई थी, सुबह के 4:30-5 बज रहे थे, नहीं तो जात के दिखाते आप लोगों को। आगे तक पूरा कर रखा है। पहुंच गए थे कंटिन्यू, मतलब 14-15 घंटे की ड्राइव करके सीधे गुजरात गांधीनगर लगा दी गाड़ी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं, बिल्कुल थक गए। शकल देख सकते हो, हालात बिल्कुल ख़राब हो रखी है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन वह रात को यार सही सफ़र निकल जाता है ना, इतना ट्रैफिक और ना इतनी गर्मी वर्मी, चिक चिक हॉर्न वगैरह कुछ नहीं। तो अभी पहुँच गए थे, तो अभी ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, देखते हैं एडिट वगैरह करते हैं। नींद आ रही वजह से बहुत ज़्यादा भी नहाऊंगा ना के अपने एडिट वगैरह करूँगा, फिर सोऊंगा भाई। तो चलो करना भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो तो। चलो भाई सब मैं रहा।